हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आइसक्रीम स्टिक से फ़ोटो फ्रेम बनाने सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने बनाया है, ऐसा ही मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो सामान की ज़रूरत है वो है आइसक्रीम स्टिक्स, ग्लू, कलर, डेकोरेशन के लिए शीशे, ब्रश, कैंची और पेन। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सामान को साइड कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हेक्सागन बनाया है। आप चाहे तो रेक्टेंगल या रेक्टेंगल स्क्वायर, जो आप चाहे वैसा आप शेप इसमें दे सकती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सीनरी लगाई है। आप चाहे तो फैमिली फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिक लेंगे, आइसक्रीम स्टिक। उससे हम अपना आइडिया लेंगे कि हमें कितना बड़ा छोटा बनाना है। आपके फ़ोटो फ्रेम के फ़ोटो के हिसाब से, जैसा आपका फ़ोटो है उस हिसाब से आप शेप बना सकती है। ऐसे रखने के बाद आप शेप को देखे कि शेप हमारी सही है या उल्टी सीधी तो नहीं है, कहीं से स्टिक निकली हुई तो नहीं है। ये देखिए, ऐसे करने के बाद आप देखिए कि आप ये शेप उसमें आपके फ़ोटो में फिट आ रही है या नहीं। ये देखिए, जैसे मैंने ये शेप लगाई है, अब मैं इसको चिपकाऊंगी। दोस्तों ध्यान रहे, जैसे मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ चिपकाने की, जैसे कि मान लो मैंने एक स्टिक चिपका दी है, उसके बाद आप ध्यान रखें कि जो हमने स्टिक चिपकाई है वो नीचे ही रही, अगली जो स्टिक है हमारी ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए ये ऊपर है, इसको मैं चिपकाऊंगी। ये देखिए, उसके बाद ये भी ऊपर आ गई। उसके बाद जो हम तीसरी स्टिक लगाएंगे वो भी देखिए ऊपर ही है। ये देखिए, अब हमारी ये वाली है, ये देखिए ये भी ऊपर है, इसको भी हम चिपकाएंगे। और ये जो लास्ट वाली है ये भी हमारी ऊपर है, इसको भी ऐसे ही हम चिपका देंगे। तो देखिए मैंने चिपकाई है, इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, फिर आपकी ये हिलेगी नहीं। बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि जैसे मैंने स्टिक लगाई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे आनी चाहिए। ये पूरा ऊपर तक हमारा ऐसे ही बनेगा। अब हम दूसरी लेयर शुरू करते हैं। पहले फेविकोल लगा लीजिए, उसके बाद स्टिक। बस सेब का ध्यान रखिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए इसे। ये देखिए दूसरी लेयर भी हमारी तैयार हो गई है। ऐसे ही हम जितनी आपको लेयर लगानी है, जितना आपको गहरा फोटो फ्रेम रखना है आप उतना लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोटो फ्रेम
मैंने चिपका दिया है। थोड़ी देर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इस पर कलर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सूख चुका है, अब मैं इस पर कलर करूँगी। इसमें मैंने 7 लेयर ली है, 1 2 3 4 5 6 7, आप चाहे तो 8 10 12 जितनी भी आप चाहे ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं इस पर कलर करूँगी। कलर भी आप ये देखिए, मैंने फैब्रिक कलर लिए हैं जो कपड़ों पे हम डिज़ाइन बनाते हैं उसके, क्योंकि इनमें शाइनिंग होती है तो ये अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि ये कलर मैं आपको बता रही हूँ, कलर है ये ऐसा है, आप बाद में धूल भी चढ़ जाती है जैसे फ़ोटो फ्रेम पे, तो आप धुलेंगे पानी से तो ये उतरेगा नहीं, कलर पक्का कलर है। तो इसमें मैं ऑरेंज कलर इसमें लगाऊंगी, आप चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम इस पर कलर करेंगे। थोड़ा पानी थोड़ा कलर मिक्स करके लगाना है। आप चाहे तो पहले से भी कलर कर सकते हैं स्टिक पे, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कलर कर लिया है, मैंने ऊपर कलर किया है, आप चाहे तो साइड में भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। मुझे ऊपर अच्छा लगा इसलिए मैंने ऊपर किया है। अब इसको मैं थोड़ा देर सूखने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद इसको डेकोरेट करूँगी। देखिए ये सूख चुका है, मैं इसको डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने से पहले मुझे जो इसमें फ़ोटो लगानी है, हम पहले उसको देख लेते हैं कि कितना फ्रेम के अंदर आता है और कितना कट होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर सीनरी लगाऊंगी, आप चाहे तो फैमिली फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसे रखने के बाद पेन से निशान लगा लीजिए चारों तरफ, बाहर की तरफ फ्रेम के। देखिए निशान लग गया है, अब मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसे करके ये चिपक जाएगा। तो इसको चिपकाते हैं अब हम। तो सबसे पहले इसको उल्टा कर लीजिए और पूरे फ्रेम पे ग्लू लगा लीजिए। देखिए हमने ग्लू लगा लिया है, अब मैं इस पर फोटो फिट करूँगी। थोड़ा बहुत अगर हमारा फ़ोटो एक्स्ट्रा बाहर निकल जाए तो उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने के लिए ये देखिए मैंने मिरर ले रखे हैं, सर्कल और ट्रायंगल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हम लगा दिए हैं,
अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़ोटो फ्रेम तैयार है, कितना सुंदर लग रहा है बनके। ये देखिए, पहले मैंने ये बनाया था, उसके बाद ये बनाया है। आप चाहे कोई सा भी कलर कर सकते हैं, मैंने इसमें ब्लैक किया है, इसमें ऑरेंज किया है, आप चाहे तो रेड, ग्रीन, येलो को कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।